ग्राम सभा बोला तो अपने के करना फार्म भरना है फार्म ठीक है जी फार्म भरना फार्म भरना फार्म जो है वो डायरेक्टर साहब को मिला है वो भी पेश सकूं अपना सारा एक पूरा सेट है वो तो ना मशवरा दूंगा कि भाई अपना सेट जो है त्रै सेट बनाइए क्यों क्योंकि एक ग्राम सभा को लेकर वो कमेटी को लेकर एक ये आज्ञा भेजेगा एक फर्क लेकर तब पक्की रसीद देनी है उसकी पक्की जब हम क्लेम करेगा ना पक्की रसीद दे यो पक्की आगे वही चले सारी जगह तब लड़ेगा जाकर वो जाके पक्की रसीद चलेगी पक्की मोर लगी हुई किसको ले तुमने क्लेम किसको ले देना है फॉरेस्ट राइट कमेटी अपना ग्राम की या कोल किसको ले जेडी तुमने कमेटी बना छोड़ी उन कमेटियां आकर तुमने क्लेम करना है ठीक है वे तमना देगा कि रसीद पक्की बाकी कार्रवाई वे करेगा ठीक है जी इतनी तमना गल जी है वह समझ में आ गई फिर आ गया फर्क दो तरह का क्लेम है दो तरह का क्लेम कम कर सके एक हो गया फर्क इंडिविजुअल क्लेम और अपना क्लेम मसलन कम इंद्रे लगा हुआ जम्मू रे लगा हुआ सामे रे लगा हुआ गुणा है इंडिविजुअल क्लेम जो है उसमें है कि थारो अपनो कार कितने है उसके नाल थारो जो वाड़ो है वो फटती है वो कितने है और सब के जंगल के केड़ा एरिया में मार्केशन है ना थारा पूरा और एक भी बाकी मार्केशन है ना कौन है ना और कोई बंदो जो इतना है लोगों को उसकी अपनी जमीन मार्केटेड है ना चाहे वह फॉरेस्ट अगर डिमार्केटेड है तो हम एक नक्शा भी बना लें तो उस दिन मशहूर दिन को एक्ट में नहीं लिखियो लेकिन ये ग्राम सभा ने बनाया या फॉरेस्ट के लिए तो वहाँ पे बनाओ किसे बंदा ना कह पे कि मेरी जमीन को डिमार्केशन को बना दिया ठीक है ना वो नक्शों की नाल लाना है तुमने उनकी मदद दस्ता है उस दुबार फॉरेस्ट कार आवेगी फॉरेस्ट राइट कमेटी उसके नाल लगाओ बीच को गार्ड या फॉरेस्ट ठीक है उसका नाम लागो थारो रेवेन्यू को पटवारी वो कह वो दासा चौधरी साहब की कितने दी जमीन है तमने दसनो या जमीन है या जमीन है नाल थारो नक्शो का तुम दस सकेगा कि भैया डिमार्केशन है क्या जमीन है दूसरा तमने उना दसनो के मेरो उधर बसर हिस्से का ऊपर है ओके और तीसरो जड़ो है वो तुमने यो दसनो है कि अगर पटवारी साहब ना और किसे और ना थारा पर इतराज है اعتراض کریں کہ بھیا کا لکھے دے تم اس کو جواب دے مطلب ڈرنا نہیں اس نے کو تو لکھے دے جنے اپ جواب دے ٹھیک ہے نا ریزن لکھا ہوا کہ بھائی تم گرام رہے لگا ہوا 10 لوگ باقی لوگ رہے لگا ہوا 90 90 لوگ کے کہ نہیں جی اپنا اعتراض ہے اعتراض تو دسو لکھے دے ایک دفعہ لکھے دے گا تو نے جواب دے دوسری دفعہ لکھے دے گا تو نے جواب دے اس کے بعد تھارا جواب فائنل अगर ग्राम सभा मने कि थारो जवाब मिले फाइन समझ में आ गई आ गई समझ में भाई मैंने दसो ना आवाज देगा दसो के आई समझ चल तो एक आ गए थारो यो के दूसरो आ गए थारो कम्युनिटी के कम्युनिटी के हो गया थारो बरादरी को के कम्युनिटी के बरादरी को के बरादरी बरादरी को के किताब इतु रूट इस्तेमाल करें कम जे सांबा तो किसे रास्ता करें तमने के करना आपको एक रूट बनाना है रूट यो कम्युनिटी क्लेम में दूसरों फार में उसको करना दूसरों फार में इत को तुमने करना तो समझ आ गई ना वो अगला किया है कि अगलो फार में तुमने करना है दूसरों फार उसमें तुमने बनाना रूट अपना जैसा कि ना था अब्दुल वाहिद साहब जने ने अपना लिखेगा मेरो के रस्तों की है मेरा कुंभा सांबा तो निकले दूसरा ग्राम जो का है इतने निकले तो मानसर मानसर नहीं बीच का ना जड़ा बीच का ये लिखना है बजरिया सड़क बजरिया जंगलात रोड क्योंकि जंगलात की रोड तुमना लाट नहीं है रास्ता कच्चा लाट ना है उसने मामन पापन कहेंगे भैया तुमने उसने तो लिखे नहीं क्लेम में क्लेम में तुमने लिखना तुम केड़ा रास्ता तुझे ग्रां ग्रां को लिखना है केड़ी जगह के खाने टूर प्रोग्राम पूरा थारो 45 दिन के जगह में तो शुरू करे उतड़ी 45 दिन को तुमने लिखना है किस किस एरिया तुझे लगा फिर केड़ी टोक में पहुंचे फिर मुड़ता हो रास्ता जो है बाख्या को लिखना है
टोप को नाम लिखना, फिर के कागज देना है माटो, उसके नाल लाना है, वो जरूरी है यो रूट देना है हमने रूट, इस रूट के अपन तुम चेंज लगाओ जेडो रिसोर्स फॉरेस्ट को तुम यूज करने लगा, पानी यूज करने लगा, कोई और चीज यूज करने लगा, लिखना है उसका भी कल जेडी चीज तुम लिखेगा वही मिलेगी। ऊपर जब हम ग्रेजिंग करें या तुम जड़ी बूटी भी हमें अगर कल धारा को जड़ी बूटी लगी तो पकड़े जाएगा मुलजम हो जाएगा, लिहाजा उस फार्म में लिखना हम जड़ी बूटी भी इस्तेमाल करें जड़ी मेरा कारमा इस्तेमाल ले लेगी ठीक है। मत कल कोई और चीज लगे सारा को गूगल लगे तो अंदर तक में उस फार्म में तुमने लिखना है जो जो तुम इस्तेमाल करें जो रस्तो इस्तेमाल करें जो बूटा इस्तेमाल करें जिस तरह ना होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करना मिल सके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। उस तो बाद तुमने एक हिस्से में लिखना है कि हूँ कड़ी वाइल्ड लाइफ के इलाका तो निकलो लो कड़ी सेंचुरी तो निकलो लो कड़ी जगह तो बिना मेरा के रास्ता जो बंद किए हुए ताकि थारा रास्ता जो है खुले जाए तम जो है ना वाइल्ड लाइफ कड़ा कड़ा बंदो मुतासर है वाइल्ड लाइफ तुम दसो जरा आप करो सारा ही है ना तुमने अपना उसमें फार्म में लिखना है कि वाइल्ड लाइफ में तुम कितु जाए तुमने एक रेजोल्यूशन पाना कि हम वाइल्ड लाइफ ने बहुत अपनी क्वालिटी बना गए जो है वो करा और ये सारा क्लेम जो इतु निकला लोगों को वार्ड वन के लोगों को किश्तवाड़ में कोई कोई उनका करके वहाँ जा लोगों को तमने जो है ना क्लेम अपनी ग्राम सभा ने देना किसे और ना नहीं देना खुद को उतनी ऊपर पहाड़ का फटा ग्राम सभा नहीं है इत देना है डीसी साहब और क्लेम जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो क्लेम खुद भेजेगा डीसी साहब दूसरा डीसी ना ठीक है ना वो देखा वो अलॉटमेंट को लेकिन ग्राम सभा थर मान जाएंगे चाहे दस केड़ा रास्ता तुझे ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੂੰ ਜਾਏ ਜਿਸਮਾਂ ਥਾਰਾ ਦਸ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਆਪਣਾ ਮੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਕਲੇਮ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਫਾਰੈਸਟ ਰਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖੇਗੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਹ ਇਸ ਬੰਦਾ ਉਹ ਯੋ ਕਲੇਮ ਹੈ ਯੋ ਇਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਉਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸੁਣੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸੁਣੇਗੀ ਔਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਥਾਰਾ ਉੱਪਰ ਕੋਣ ਫਾਰੈਸਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰੈਸਟ ਵਾਲੋ ਮਾਲ ਵਾਲੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸਦਾ ਤਦਾਰਕ ਕਰਨਾ ਤਦਾਰਕ ਕਰਨਾ ਆਪੇ ਕਿਆ ਕਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲੇਮ ਮੰਨ ਲਿਓ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾ ਅਲੱਗ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਕੋ ਉਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੋ ਗ੍ਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਹੈ ਵਾ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵੇਰਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਸ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਐਸਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ਜਰੋ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋ ਕਾਰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲਾ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੋ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਸ ਕੋ ਦੇ ਕੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਮਸ ਕੋ ਕਲੇਮ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਐਸਟੀ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਫਾਰੈਸਟ ਰਾਈਟ ਐਕਟ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦੋ ਸਬੂਤ ਜੋੜੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਜੋੜਾ ਤਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂ ਚਾਰ ਮੈਂ 10 ਮੈਂ 15 ਮੈਂ 20 ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ तो इस तरह ना तुम जरा क्लेम है भी अपना उसका भी जरा ना कमेटी में रखना है उस तो बाद तुमने जो है टैल रखनी है अपने को जड़ी रसीद रखनी है तारा को जड़ी चीज भी आप लगी कंसल्टेशन करो पूछो पढ़े लिखे तो को पूछो कि भाई यह के क्या लो ट्राइबल डिपार्टमेंट को पूछो महाराज को पूछो कि भाई यह इस तरह का त्रास आ गया है तो के करा और कुछ सवाल है जिना वो तो ना दस तो बाकी तुम सवाल ले लेगा मैडम जी बोले सवाल नंबर एक के जिस आदमी को ले अपनी जड़ी है मानकी है थोड़ी जी तो नाल फॉरेस्ट भी है क्या वो फॉरेस्ट ले सके एज पर गाइडलाइन ऑफ ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री जड़ी के उसने 20 सवालों का जवाब बताए ट्राइबल मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर वे कहे कि अगर उसको लाइवलीहुड नहीं चल तो अपनी मालकी है मतलब उसकी गुजर बसर नहीं है इलाका से बगैर तब वो ले सके लेकिन उसका साबित करना है एफआरसी फॉरेस्ट राइट कमेटी के आगे ग्राम सभा का कहा कि भाई मेरे गुजारो इसके बगैर नहीं है तब एक कनाल का उसका मेरे कोठे चढ़े ठीक है ना मुलाजम आपकी जो है इस माह नहीं ले सकते क्योंकि उसकी गुजर बसर को सिलसिलो नहीं है बाकी यह है कि तुमने जो भी करना निशानदेही खुद करानी है
सब चीज खुद करनी है, इसमें बाकी भी हम सवाल ले लेंगे। अगर तारा कोई सवाल है कि मैडम जी ने जानना है, तारा कोई सवाल है हम पूछ सके, उन्हें पूछ सके। हर एक चीज हो रहा है जी। एक आदमी के दो करोड़ पर मकान बने हुए हैं, ठीक है, तो उसने दूसरी जगह क्लेम हुआ है उसको ट्रस्ट को, उसका भाग हो, वो किस तरह होगा? देखो जी, अगर थारो बाड़ो होता है जी, बकरी उतरे तो हम किसी जगह के रह सकते? थारो बाड़ो होता है ना, बकरी होता है ना, बकरी होता है, थारो माल उचर है, सब कुछ उचर है, लोग तब थोड़ी कल्टीवेशन भी करेगा, बाकी जमीन भी है, कोई कोई बूटा लाएंगे सेबों का फ्रूटा का, तो हम जो है क्लेम, मतलब अगर सारी एक ही जगह जो फॉरेस्ट क्लेम जो सेटल किया है गवर्नमेंट ने बाकी स्टेट्स में, उसमें मैं देखी हुआ है उसमें उन्होंने किस तरह सेटल किया है, वहाँ दस थोड़ा तक समझ आता है कि उन्होंने इस तरह ना ये बनाया नक्शे, इसमें दस है कि क्लेम नंबर वन अगर इसकी जमीन इतनी है, यो इतनी है, मतलब चार जगह एक एक लिखे हुआ है, एक लिखे हुआ है मतलब से गोला मोहम्मद, ठीक है ना, दिन मोहम्मद दो इतनी है, इतनी है लिखे हुआ, दो उसको ना लिखे तो मल्टीपल जगह का ऊपर थारी जी है ना, घरों घर देखना थोड़ा माल चुको तो हम एक ही ग्राम में दो ग्राम में आपस में झगड़ो भी हो सके, तो हम उसको फैसलो भी कर सके, यो यो चीज जी है या उसको भी तसीली है कि तम दो जगह त्रै जगह जिस हिसाब से थोड़ा माल है हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसने लाइव भी उठा दिया कि थारा थारा गुजर बसर इसके बगैर नहीं होती है, तो इसलिए गुजारो नहीं होता होती है। और सवाल जी, मैम एड्रेस कर दीजिए, फिर एड्रेस बाकी के बीच में एक्चुअली इस तरह का इंटरेक्शन हम बार बार करेंगे, बहुत जरूरी है क्योंकि जो कानून साल अभी जो हाल ही में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का हमने इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सीरियसली शुरू किया है, ऐसे कानून ये वाले हैं और दूसरे भी कानून हैं, तो सब कानून को हमने समझना है, रूल्स को समझना है, और इसलिए आप सबके साथ बैठ के स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी बनता है, तो हम ऐसे प्रोग्राम और भी करेंगे। एक्चुअली आज का प्रोग्राम जो था हमने सुबह 10:30 बजे शुरू करना था, लेकिन आप लोग सर्दी की वजह से शायद थोड़ा लेट पहुँचे, प्रोग्राम लेट शुरू हुआ था, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा एक्चुअली और एक मीटिंग है इसके बाद, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं आपके साथ बैठना था कि हमने क्वेश्चन आंसर भी लेना है। अपने जावेद साहब को रिक्वेस्ट किया है मेरे बोलने के बाद आप लोग लेक्चर्स के साथ कंटिन्यू करें, तो बाकी बोलेंगे वो बोलेंगे, फिर आखिर में एक क्वेश्चन आंसर सेशन करें, उससे आप सबके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर सलीम साहब हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब साहब हैं, और यहाँ पर जो जिनके पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, जिन्होंने एक्ट को पढ़ा है और समझा है, वो भी आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं, तो ये ज़रूर आपको करेंगे ये सेशन चलती है। अभी मैं अपने लेवल पे आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि ये जो एक्ट है फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, उर्दू में हम इसको हकूक बर अराजी जंगलात कानून बोलेंगे, 2006 का है, आप लोगों को पता है जो एरिस्टॉटल जे एन के स्टेट जो था वो यूटी बना थी, दो यूटीज में बट गया, तो जम्मू कश्मीर का जो यूटी है उसमें रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ये एक्ट लागू हुआ है, तो जब से एक्ट लागू हुआ है सरकार के लेवल पे तैयारी शुरू हो गई थी, और रिसेंटली हाल ही में हमने इम्प्लीमेंट भी करना शुरू किया, इम्प्लीमेंट कैसे, इम्प्लीमेंटेशन का इनिशिएशन हमने किया, शुरुआत किया, उसमें ये है कि एक्ट के तहत कमिटीज बनने के हर लेवल पे, अलग अलग लेवल पे, सबसे बड़ा जो कमिटी है वो यूटी लेवल मॉनिटरिंग कमिटी बोलते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हेड करते हैं,
उसमें जंगला के हमें के प्रॉब्लम के सेक्रेटरी हैं, ट्रैफिक एंड डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, रेवेन्यू के सेक्रेटरी हैं, पंचायत राज कॉन्स्टिट्यूशन रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी हैं। इस तरह से जो डिपार्टमेंट्स महकमे जो इस काम से जिनका ताल्लुक है वो सारे सेक्रेटरीज हैं। वो सबसे बड़ा वाला कमेटी जो है जो चीफ सेक्रेटरी साहब के सदारत में होती है वो वाला कमेटी वो कमेटी बन गया हुआ है। लेकिन वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स जो होंगे इस कमेटी के लेवल पे से जो मेम्बर्स में जो इंक्लूड होने वो अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि थोड़ा अभी हम स्पीड वर्क कर रहे हैं। एक बात ये भी है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स जो बने हुए हैं उनका अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, क्योंकि दो लेवल्स पे तो उन्होंने हमें नॉमिनेशन देना है। स्टेट लेवल पे भी वो प्रोसेस शुरू हुआ है, हमने डायरेक्टर साहब से रिकमेंडेशन मांगा है और कम्युनिटी के प्रॉब्लम सिटीजन को भी हम कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। तो हम उस पर भी जल्दी जल्दी फाइनल नोटिफिकेशन भेजेंगे जिसमें स्टेक होल्डर्स भी होंगे उस यूनिटी लेवल कमेटी में। फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी है जिसमें डीसी साहब के सदारत में सारा काम होगा। उसमें सारे महकमा के ऑफिसर्स जो जो जरूरी हैं फॉरेस्ट के रेवेन्यू के वो सारे होंगे। फिर उसके बाद सब डिविजन लेवल पे भी कमेटी है। हाँ, इस मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों को कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में इसके स्टेक होल्डर्स का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब मेम्बर्स अग्रवाल यूनिवर्सिटी से लोग डी सी पी जो भी कम्युनिटीज हैं वो उस पर रिप्रेजेंटेशन उनका भी होगा और सब डिविजन लेवल कमेटी भी होगा। फिर उसके बाद लास्ट में जो आखिर वाला ज़रूरी जो कमेटी है वो फॉरेस्ट राइट्स कमेटी है। वो फॉरेस्ट राइट्स कमेटी जो है वो तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आज या कल शाम तक बिल्कुल सब कंप्लीट हो जाएंगे। फॉरेस्ट राइट्स कमेटी एक या दो यहाँ पे तहसील वगैरह ग्राम सभा रहते होंगे, कुछ हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर स्नोफॉल हुआ है वहाँ ये बर्फबारी हुई है उस वजह से, अदरवाइज पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट राइट्स कमेटी ऑडिट बनाए। अभी जो फॉरेस्ट राइट्स कमेटी जो है ग्राम सभा के लेवल पर है, जैसे पहले मुझसे स्पीकर जिन्होंने बताया ये फॉरेस्ट राइट्स कमेटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कमेटी में कौन लोग होंगे उन्होंने बताया, जैसे उन्होंने कहा शेड्यूल ट्राइब्स मेंबर्स 2/3 होंगे, शेड्यूल ट्राइब्स मेंबर्स वगैरह जो भी तबका है तो वो 2/3 होंगे। उसमें औरतों को भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, एक चेयरमैन भी बनाना है, एक सेक्रेटरी भी बनाना है और वो सारा जो है कार्रवाई सरकार ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। जैसे मोडर साहबान ने हमें रिपोर्ट दिया है कि उन्होंने ऑलमोस्ट कम्प्लीट कर दिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है साइंस के बनने के बाद अब उस जो जो एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू होता है। तो फिर अब सरकार ने आप लोगों ने देखा होगा उर्दू अखबारा से भी एडवर्टाइजमेंट्स निकला था, अंग्रेजी में भी निकला था, उसमें हमने ये बोला था कि हमने फॉरेस्ट साइंस कमेटी बनाए हैं, हमने पूरी तैयारी की है, तो अब हम दावे लेना शुरू करेंगे, क्लेम्स लेना शुरू करेंगे। तो 15 जनवरी से जिन जिन तहसील में जिन जिन ग्राम सभा में जिन जिन ब्लॉक्स में फॉरेस्ट साइंस कमेटी बने हैं मैंने कहा ऑलमोस्ट सब जगह बना है, तो क्लेम्स लेना शुरू मतलब फॉरेस्ट साइंस कमेटीज जो है वो क्लेम्स लेना शुरू करेंगे। तो आप लोग अपने लेवल की तैयारी रखिएगा, जैसे आप लोग आबाई तौर पर जहाँ भी जिस जंगल वाले एरिया में या चरागाह होते हैं आपके पास लोग जो हैं जहाँ आबाई तौर पर पुराने जमाने से आप लोग करते आ रहे हैं, सर्दियों में इधर गर्मियों में किसी और डिस्ट्रिक्ट में सर्दियों में किसी और डिस्ट्रिक्ट में, तो सारा सरकार जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, रिकॉर्ड्स देखेंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देखेंगे, जंगला का जो रिकॉर्ड्स है महकमा जंगला का वो रिकॉर्ड्स देखेंगे। फिर एक प्रॉपर तरीके से आपका जो क्लेम है आपका जो दावा है उसके जो फैसले में आएंगे वाकई में देखना किसने है फॉरेस्ट राइट्स कमेटी भी उसमें कम्युनिटी के लोग होंगे, तो एक बहुत अच्छे तरीके से इंसाफ के साथ वो सारा कंसिडर होगा, आप लोग का इंसाफ मिलेगा। तो जो पुराने जैसे मैंने बोला जैसे जावेद साहब ने बोला मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, हम कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए या कुछ कमर्शियल काम करने के लिए या बिजनेस वाला काम करने के लिए हम आपको मतलब सरकार एक्ट के तहत आपको इजाजत नहीं देगी। सरकार ने आपके उन हकूक का रिस्पेक्ट करना है, इज्जत करना है जो आप लोग ट्रेडिशनल तरीके से गुजारा करने के लिए जो आप लोग चरागाह यूज कर रहे थे, लोग बोलते हैं ना लोग यूज करते थे इस्तेमाल करते थे, वो आप जो पहले से ही आप कर रहे हैं ट्रेडिशनल तरीके से उन वो सारे आपको मिल जाएंगे। उसमें एक बहुत पीछे एक बहुत
उसकी बात छुपी हुई है वो ये है कि जंगलात को हमने सिर्फ आपका हक नहीं देखा है, जंगलात को हमने मतलब वो करके रखना है, सेव करके रखना है, सारे दस्तों को काटना नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर आप अपने गुजारे के लिए जो भी जो आप ट्रेडिशनल तौर पर हवाई तौर पर आप करते आ रहे हैं वो आप करेंगे, लेकिन काटने का या उसमें से टिम्बर या देवदार या कुछ काट के बेचने का उस तरह का कोई आपको हक नहीं मिलेगा, ऐसा कोई हक नहीं मिलेगा जिससे जंगलात जो है वो तबाह हो जाए। तो जंगलात जो हमारा हरा भरा जंगल जो है वो आगे भी उसी तरह से रहना चाहिए और साथ में आपके हकों का भी इज्जत होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, और आपको वहाँ पर वो जमीन वो जंगल इस्तेमाल करने का आपको हक मिलना चाहिए। ये एक्ट का जो सही है, कोई कमर्शियल काम नहीं करना है, कोई नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस वाला काम नहीं करना है, आप ये अपने हवाई तौर पर जो आप जंगल द्वारा इस्तेमाल करके आ रहे हैं वो आपको करने दिया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा सिलसिला शुरू हो गया है। तो कानूनी तौर पर जो भी आप राइट्स मिलेंगे वो मतलब परमानेंट हो जाएगा, उसके बाद कोई झगड़ा वगैरह नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। मैं आपके साथ में ये भी बताना चाहूँगी कि एक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छी तरह से सरकार ने एक प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। पूरा सारे को मिला के 20 डिस्ट्रिक्ट का जो 20 जिले हमारे हैं उनमें सब ऑफिसर्स और ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए प्रोग्राम बना हुआ है। सारे को मिला के तकरीबन 50,000-60,000 ऑफिसर्स और ऑफिसर्स को हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है, वो खत्म होने वाला है। हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग प्रोग्राम पक्का होगा। सो ये एक बहुत अच्छा स्टेप हो और मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऑनरेबल एल जी साहब, ये चीफ सेक्रेटरी साहब, फॉरेस्ट सेक्रेटरी साहिबा, रेवेन्यू सेक्रेटरी, सारे जो सेक्रेटरी से इस काम से ताल्लुक रखते हैं, जुड़े हुए हैं, वो सब बहुत अच्छी तरह से इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। हम सब लगे हैं डिपार्टमेंट में, प्राइवेट साहब यहाँ लगे, हम लगे हैं, डायरेक्टर साहब भी लगे हैं। हमने एक्ट का ट्रांसलेशन का भी प्रोग्राम बनाया है, हमने बोला कि गुजरी में उर्दू में ये सबका जो ये एक्ट होने की लैंग्वेज में वो होना चाहिए, हिंदी में ऑलरेडी एक्ट भारत सरकार ने कर दिया हुआ है। तो मेरा कहने का ये मतलब है ट्रांसलेशन वाले काम का मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ मिसाल के तौर पर कि आप लोगों के पास वो किताब आ जाएगा, वो एक्ट का रूल आ जाएगा, अपनी जबान में आप पढ़िएगा तो उससे बहुत बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि अपने मदर टंग में अपने जबान में पढ़ने से सारा कुछ क्लियर हो जाता है, आयाम हो जाता है। तो वो इस पर भी हम काम करेंगे। तो बाकी हमने जो आई सी एक्टिविटीज है, जैसे आज हम मिले हैं तो ये आई सी एक्टिविटीज एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आई सी एक्टिविटीज मैंने सबको बताने का कि एक्ट में क्या है, रूल्स में क्या है, वो सारा बताने का जो एक्टिविटीज है ये अब सिलसिला हम जारी रखेंगे। एट रेगुलर इंटरवल्स हम आप लोगों के साथ मिलेंगे। आज मुझे बताया गया कि जम्मू कठुआ सांबा रियासी जम्मू से आप तशरीफ लाए हैं, उनसे भी कुछ एक दो लोग होंगे, वेरी गुड। हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट को भी कवर करेंगे, जाके करेंगे, कहीं कहीं फिर हम यहाँ पर बुलाएंगे। तो ये सिलसिला आप रेगुलर इंटरवल्स में हम जारी रखेंगे। तो आज आप लोग ऐसा करिएगा, मेरा सजेशन है, मैं दोबारा कर रही हूँ, सारे जो स्पीकर से वो बोलेंगे, फिर उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन मतलब सवाल जवाब का एक सिलसिला आप करिएगा आधे घंटे के पौने घंटे के, क्योंकि आप इतने दूर से तशरीफ लाए हैं तो इस मौके का फ़ायदा उठाए। तो मेरे ख्याल में आप ज़्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं यही बोलूँगी कि आप अच्छी तरह से आज का जो ये सेमिनार है, वर्कशॉप है, उसको अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल करें, क्वेश्चन आंसर पूछें, आप बेझिझक पूछें, हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी मतलब परफेक्ट नहीं है, इसको पढ़ के डिस्कस करके समझना है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया मैम। दो इश्यूज हैं जो पिछले कुछ दिनों से ना उभर रहे हैं, बार बार बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं। एक तो ये है कि म्यूनसिपल यूनिट्स के अंदर कोई ग्राम सभा बनी हुई है ना, उन्होंने मतलब मैं डी पी ओ जम्मू से बात करो तो वो कहते हैं म्यूनसिपैलिटी से करो, म्यूनसिपैलिटी कहता है हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो जम्मू म्यूनसिपैलिटी के अंदर जो इलाके हैं उनमें कोई ग्राम सभा की एक्टिविटीज नहीं है, एक तो ये इशू है ये ना आपके नोटिस में जाना। दूसरा एक और कहानी है यहाँ पे चल रही है कुछ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से आवाज़ आ रही है, वो कह रहे हैं कि तहसीलदार साहब ने फरमाया कि ये यहाँ कोई फॉरेस्ट एरिया नहीं है, कमेटी नहीं बनी। तो तहसीलदार साहब ने बोला कि वन
बोला कि यहाँ कोई अरेस्ट एरिया नहीं है, ये जेडीए का है, ये वो है, वो घर बैठ के डिसाइड कर रहे हैं। मैंने उनको बोला कि अरेस्ट तहसीलदार साहब, यहाँ जो बकरवाल लैंड रहता है से वो मालकी जमीन पे रहता है, लेकिन इसको जाना तो पास्टर में है, ग्राम सभा तो यहाँ है, यहाँ उसने क्लेम देना है, तो बाकी तो उधर होगी। और तो ग्राम सभा एटलीस्ट जहाँ ट्राइबल है या नहीं है, हर जगह होनी चाहिए, फॉरेस्ट डिवेलपर्स हो सकता है कि कौन, ये इमेजिनरी एक क्रिएशन की जा रही है वहाँ पे कि भाई ये यहाँ पे तो ट्राइबल ही नहीं है, यहाँ पर अगर ट्राइबल नहीं है फॉरेस्ट डिवेलपर हो सकता है, कौन के ग्राम सभा होनी चाहिए हर जगह। ये दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं जो मैं आपकी मदद करूँगा। एक तो ये ग्राम सभा का डेफिनेशन है, वो पंचायती राज वाला ग्राम सभा सुनिश्चित नहीं है, हालांकि फॉरेस्ट राइज कमेटी अभी तो बने हैं, वो किसी पंचायत में बने हैं, तो एक्चुअली एक्ट के तहत यू नो जहाँ पर भी फॉरेस्ट है और जहाँ लोग रहते हैं, पुराने हवाई टाइम से रहते हैं, तो यू नो उनको रिस्पेक्ट करना है, तो हर जगह ग्राम सभा कहीं भी बन सकता है, यानी म्यूनिसिपल एरिया में नहीं बनेगा तो रूरल एरिया में बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्ट जो है रूरल और अर्बन की कोई डिविजन नहीं करता है। एब्सोल्युटली क्लियर है कि कोई शक्ति हर जगह बनना है, लेकिन जहाँ जहाँ नहीं बना है, जैसे मिसाल के तौर पर अभी स्नोफॉल की वजह से कहीं कई जगह पर नहीं बना, कहीं कई जगहों में इस तरह के डिस्कशन हो रहे हैं, झगड़े हो रहे होंगे या होगा, मतलब इन देंस लोग कन्फ्यूज हो गए हैं, तो वो उनको भी हम एड्रेस करेंगे। हर जगह बनना है, एब्सोल्युटली बनना है, और जहाँ जहाँ पर आपको अपना जैसे गुजर बसर के लिए जो भी काम करते थे वो सबका रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो म्यूनिसिपल एरिया में हो या रूरल एरिया में। और सेकेंडली आपने यहाँ पे एक जो स्पीकर कन्वर्सेशन उठाया, जो आपका मूवमेंट होता है जम्मू से कश्मीर या कश्मीर से जम्मू, जो नेशनल हाईवे के साथ प्रॉब्लम होता है, तो वो सब एक्चुअली हम यू नो समझने की कोशिश करेंगे, साथ साथ इसमें हम यू नो डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी हो सकता है, टाइम पे कोई एडवाइजरी इशू करना हो या कोई मैसेज कम्युनिटी में भेजना हो या कागजात करते हो, तो यू नो ऐसा सिचुएशन हो जाए कि यू नो आप नेशनल हाईवे की कोई तंगी तकलीफ ना हो, तो हमें एड्रेस करना चाहिए। एक तो कुछ एरियाज हैं जहाँ वो कहते हैं यहाँ फॉरेस्ट क्लियरिटी नहीं है,